हेलो क्लास 10, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश योर फर्स्ट फ्लाइट बुक लेसन 1 अ लेटर टू गॉड। दिस स्टोरी इज रिटन बाय जी एल फ्यूम्स एंड ही इज अ नॉवलिस्ट। अच्छा नॉवलिस्ट है ये फ्यूम्स और इन्होंने अ लेटर टू गॉड स्टोरी लिखी है। आप इसमें देखेंगे एक अच्छी स्टोरी है जिसमें आपको दिखेगा एक फार्मर लैंचो कैसे अपना बिलीव कितना उसका गॉड पे फेथ और बिलीव। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी ऑफ अ लैंचो फार्मर हु वाज अनशेकेबल फेथ इन गॉड। ही लूजेस हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न टू हैवी रेन एंड हेल। हिज एंटायर फील्ड इज डिस्ट्रॉयड एंड इट इज सर्टेन दैट ही एंड हिज फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर। इस स्टोरी में है कि एक फार्मर होता है लैंचो, उनका क्रॉप का फील्ड होता है और वो स्काई की तरफ देखता है कि शायद बारिश हो रही है, शायद बारिश हो रही है और बारिश भी होना स्टार्ट होती है। वो बड़ा खुश हो जाता है कि अब रेन होगी और मेरा क्रॉप्स अच्छे होंगे। बट व्हाट हैपेंड, रेन नहीं होती है, हेल स्टोन गिरने लगते हैं और हेल स्टोन इतने गिरते उसका पूरा क्रॉप जो होता है कॉर्न का डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो सोचता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है उसकी फैमिली को और उसको फुल ईयर अब हंग्री रहना पड़ेगा बिकॉज उसकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो गई। देयर ओनली होप इन गॉड हु लैंचो हैड बीन टोल्ड सीज एवरीथिंग। अब लैंचो सिर्फ ये सोचता है मेरे पास एक ही आशा है और वो है गॉड। अगर हम गॉड से मांगेंगे हेल्प तो वो हमें ज़रूर करेंगे। इवन द कंसाइंस दैट रिसाइड्स डीप इन अ पर्सन, हमारे अंदर एक अंदर आत्मा होती है, कंसाइंस होती है, वो अंदर आत्मा जो गॉड जो होती है वो लैंचो की उसकी आवाज़ अंदर से आती है कि हम गॉड से मांगे, गॉड ही अब कुछ करेगा। उसके पास कुछ नहीं, उसका पूरा उसकी फार्म, उसका लैंड जो उसने साल भर मेहनत करके बोई होती है सब नष्ट हो जाती है। देन व्हाट ही डिड, ही राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 टॉयज टू सी हिम एंड हिज फैमिली थ्रू आउट द ईयर। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, स्टैम्प इट एंड ड्रॉप इट टू द मेल। वो क्या करता है, गॉड को एक लेटर डालता है और उस लेटर में लिखता है कि गॉड मुझे 100 पैसेस रुपए चाहिए और गॉड को लेटर डालता है, उसमें स्टैम्प लगाता है और उसे मेल में पोस्ट भी करता है। व्हेन द पोस्टमास्टर फाइंड्स अ लेटर ही शोज इट इन द पोस्टमास्टर एंड बोथ लाफ एंड हर्टली। कहते हैं जब उस पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में अपने लेटर डाला, जब पोस्टमास्टर और पोस्ट जो मैंस होते हैं उन्होंने वो लेटर्स निकाला और उसमें एड्रेस देखा लेटर टू गॉड, गॉड का एड्रेस है, तो वो बड़ा सरप्राइज हुए और पूरे पोस्ट ऑफिस के लोग हंसने लगे। बट जो पोस्ट मास्टर था उसने बड़ा सीरियसली लिया, उसने इस बात को ध्यान दिया, अरे देखो गॉड पे कितना फेथ है इसको लैंचो को कि इसने लेटर गॉड को डाला कि गॉड आप मेरी मदद करें और मुझे 100 रुपीज भेज दें। देन अ पर्सन हु राइट्स अ लेटर ही डज नॉट वॉन्ट सच अ फेथ इन शेकन। कहता है कि पोस्ट मास्टर कहता है कितना अनशेकेबल फेथ है इसका, कितना अटूट विश्वास है इसका गॉड पे। चलो इसके अटूट विश्वास को और अटूट बना रहने दे, हम इसके लेटर का जवाब देंगे। सो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर हिमसेल्फ। ऑन ओपनिंग अ लेटर द वॉन्स ऑफ द रियलाइज दैट मोर देन इन एंड पेपर आर रिक्वायर्ड एन आंसर। उसने कहा इसके लेटर का जो आंसर है वो पेन और इंक से ना दे के इसने जितने रुपए डिमांड करे हैं हम लोग आपस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी पोस्टमैन और जितने भी वहाँ पोस्ट मास्टर्स हैं सभी रुपए कलेक्ट करते हैं और जो कलेक्शन होगा वो उसको पोस्ट करके भेज देते हैं। एक उसकी हेल्प हो जाएगी और हमारी एक मीन्स हम बोलते हैं उसको जैसे कि हम लोग चैरिटी वर्क करते वो भी हो जाएगा। द कलेक्शन हैज़ बीन डन व्हेन लैंचो कम्स द फॉलोइंग वीक। अब लैंचो अपने आंसर को कि गॉड को मैंने लेटर डाला था इसका क्या रिस्पॉन्स आया पोस्ट ऑफिस जाता है वीक एक वीक के बाद अपना पोस्ट लेने के लिए। द पोस्ट मैन हैंडेड माई लेटर द पोस्ट मास्टर एग्रील। और पोस्ट मास्टर ने क्या करा, पोस्ट मैन ने उसका लेटर उसको रिटर्न, उसका जो आंसर था उसको वो रिटर्न किया कि लीजिए आपका आपके नाम का लेटर आया है, उसमें मनी था। अब वो लोग सब पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट मैन थे जितने भी वर्क करने वाले वो उसके फेस का रिएक्शन देखना चाहते थे कि उसका फेस का रिएक्शन क्या होगा, पैसे पाके वो बहुत खुश हो जाएगा कि उसको गॉड ने रिस्पॉन्स दिया और उसका फेथ और स्ट्रांग हो जाएगा। बट हाउएवर द कॉन्ट्रेरी हिज एक्सपेक्टेशंस, बट बिल्कुल कॉन्ट्रेरी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट, जो पोस्ट मैन और पोस्ट मास्टर्स थे उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे उससे बिल्कुल विपरीत हुआ। वो बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुआ, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। लैंचो शो सरप्राइज एट ऑल, कोई उसने सरप्राइज लैंचो ने शो नहीं किया।
नेंचो बल्कि बड़ा अजीब सा फेस बनाने लगा जब उसे लेटर खोला और रुपए काउंट करे तो बड़ा अजीब सा गुस्से वाला एंग्रीली फेस बनाने लगा. ऑन काउंटिंग द मनी एंड फाइंडिंग इट द 70 पाउंड्स ही शोड एंगर. जब उसे दिखा अरे ये ओनली 70 पाउंड्स है, मैंने 100 मांगे थे, गॉड ने ओनली 70 दिए. इट शोज एंग्री, ही इमीडिएटली राइट्स अ लेटर टू गॉड टू ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने जल्दी से पेन मांगा और जल्दी से दोबारा एक लेटर गॉड को दोबारा दूसरा लिख के मेल कर दिया. देन ही टेक्स आउट द लेटर ओपन इट. और फिर वो चला गया वहाँ से. फिर पोस्टमैन लोगों ने वो लेटर फिर से निकाल के उसको दोबारा पढ़ा, देखिए इसने गॉड को दोबारा क्या लेटर लिखा है. इन ग्रेट सरप्राइज, और वो लोग चकित हो गए, व्हाट ही राइट्स, इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी ग्रेटिट्यूड, कोई ग्रेटिट्यूड, कोई थैंक यू, कोई अच्छा एक्सपेक्टेशंस ना लिख के लेंचो ने उसमें क्या लिखा. लेंचो आस्क्ड गॉड टू स्पेंड टू सेंड हिम मनी रिमेनिंग अमाउंट बट वाय नॉट थ्रू द मेल बिकॉज ही बिलीव दैट एम्प्लॉय ऑफ अ पोस्ट ऑफिस टू बी द बंच ऑफ क्रूक. कहता गॉड अगर आप मुझे आपने मुझे 70 पाउंड्स भेजे हैं और जो 30 पाउंड्स और रह गए हैं तो अगर आपको भेजना हो तो मुझे मेल के द्वारा ना भेजिएगा क्योंकि ये जो पोस्टमैन है वो पोस्ट ऑफिस में सभी लोग बंच ऑफ क्रूक हैं, ये सब स्टीलिंग मतलब चुरा सकते हैं, चुरा लेंगे, ये सब मेरा पैसा बांट लेंगे, इसे आप मेल के द्वारा ना भेज के किसी और द्वारा मुझे रुपए भेजिएगा. दिस स्टोरी हैज अ ट्विस्ट इन द आयरनी एट द एंड. और स्टोरी में क्या होता है, पहले तो बड़ा ह्यूमर होता है, हंसी मजाक, बट बाद में बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, एक आयरनी आ जाती है. और आयरनी और ये सिचुएशन क्यों आ जाती है, कॉन्ट्रेरी, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि वो 100 रुपए के अगर उसने डिमांड करी थी और उसे 70 मिल गए तो उसका उसने ग्रेटिट्यूड या उसे थैंकफुलनेस या उसे कुछ हैप्पीनेस या उस सरप्राइजिंग उसे कुछ ना दिखा के उसने बड़ा दुख प्रकट किया. उसने उन्हें बंच ऑफ क्रुक बोल दिया जिन्होंने उनको कंट्रीब्यूट करके मनी सेंड करे थे. यही आजकल का उसने दिखाया है. ये लेटर, ये स्टोरी में क्या दिखाया गया है कि दोज हु गो देयर वे टू हेल्प द पुअर फार्मर आर सरप्राइज टू बी द थीव्स. जिन लोगों ने उस फार्मर की हेल्प करना चाहिए उन्हें चोर बोला, चोर बताया. ऑल्सो फेथ इन शोज टू बी द बोरिंग ऑन इग्नोरेंस टू हैव फेथ इन गुड बट थिंक दैट entitled the person who makes any of some true betrayed lack of humanity and gratitude. ये क्या इंसानियत है, उसमें ये दिखाया गया. स्टोरी पूरी आपके एंड हो जाती है. उसमें ये दिखाया गया कि कैसे एक पर्सन ने थैंक्स नहीं कहा बल्कि ये फील कराया. ये स्टोरी बड़ा ह्यूमर वाली भी है और बड़ी आयरनी वाली भी है कि आज का सिचुएशन ये है कि गॉड पे अगर जो फेथ, एक तो फेथ दिखाया है इसमें, कितना टूट विश्वास उस लेंचो का अपने गॉड पर है कि गॉड से उसने मनी की डिमांड करी और जब उसे लेटर रिसीव किया और कितना बिलीव से वो लेटर लेने आया कि जरूर कोई रिस्पॉन्स आया होगा और उसको रिस्पॉन्स भी मिला क्योंकि लोगों ने उसकी हेल्प करी. सेकेंडली उसने ये भी बिलीव जताया कि उस वो सेकेंड लेटर डालेगा और उसको सेकेंड रिस्पॉन्स भी मिलेगा. बट जो पर्सन ने उसको कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो पोस्टमास्टर्स पोस्टमैन्स ने उसको हेल्प करी, उनको बड़ा फील हुआ कि आज हम लोग क्या हो गए, बंच ऑफ क्रूक कहलाए. Answer, the story is ends here. Now you read the lesson and write the character of Lencho and write the character of postman in your course copy. Thank you.